है तो पानी उसका टेम्परेचर हम ऐसा करेंगे इनका जो हेलो गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस आज वो दिन आ चुका है जिसका मुझे बड़ी बेताबी और बड़े अरसे से इंतजार था। वो दिन पता कौन सा था? वो दिन था, बाकी मैं सब बर्ड्स लेता रहता हूँ, हर चीज़ लेता रहता हूँ, खरगोश ये वो सब कुछ लिया, लेकिन एक चीज़ नहीं ली थी। वो क्या थी? वो थी मछलियाँ। और आज हम लेने जा रहे हैं मछलियाँ अपने फार्म के लिए, और लेके आएंगे, फिर देखेंगे उन्हें कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्यों रखना है, कब रखना है, कहाँ रखना है, तो फिर देखेंगे। अभी चलते हैं। यार गाइस बहुत ज़्यादा धुंध है और हम जा रहे हैं मछलियाँ लेने, तो जैसे ही पहुँचते हैं फिर मिलते हैं आपसे। गाइस फाइनली हम मछलियों के शॉप पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ जो शॉप है ना वो इस तरीके से कि चौक पर एक बाइक ठहरा हुआ है और उसने मछलियाँ ली हुई है, क्योंकि जो दुकान पर लेने जाते हैं यार वो एक तो उनकी आंकड़ बहुत ज़्यादा होती है, और यानी कि वो सही अंदाज से देते हैं और वो मौसम वाइज होती हैं। तो यहाँ पर अब जो भाई आए हुए हैं उनके पास बहुत सारी मछलियाँ, माशाल्लाह कछुआ भी है एक बहुत प्यारा, और उन्होंने ये एक पेयर रखा हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये पेयर बिक चुका है, और लेकिन इसमें एक मेल था फीमेल था, बहुत प्यारा पेयर था, लेकिन अगर मैं मिल जाता तो हम ये भी ले लेते, लेकिन ये बिक चुका था। और अब हमने लेनी है लेकिन मोली फिशेज, और फिशेज तो बहुत और भी पड़ी हुई हैं लेकिन प्यारी प्यारी, लेकिन उनके लिए जगह हमें बड़ी चाहिए होगी जिसमें वो ब्रीड करें। तो अब हमने जो यानी कि सोच गए थे घर से कि मोली फिशेज लेंगे, और मोली फिशेज ही लेंगे। तो यार ये हैं मोली फिशेज जो कि हमने लेनी है, और इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन ये ब्रीडर हैं इस टाइम, समझे, ये बच्चे नहीं हैं भाई, ये ब्रीडर है, इन्हें हम घर लेके जाएंगे और ये बच्चे दे देंगे। इनमें बहुत सारे रंग होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ रंग होते हैं, कोई यानी कि मिक्स होते हैं, जैसे बजीज नहीं होते हमारे पास, यानी कि किसी भी कलर का कहीं से भी निकल आता है, ये भी वैसे होते हैं, यानी कि बच्चे कौन से, माँ बाप कौन से, यानी कि कहीं भी निकल आता है। और ये जो बड़े वाला कछुआ मैंने आपको दिखाया है, और यानी कि ये बहुत प्यारा था, लेकिन ये यानी कि हमारे पास इसको रखने की जगह नहीं है। और ये भी मछलियाँ, लेकिन ये जो है ना यार ये दरिया की मछलियाँ होती हैं, यानी कि ये ब्रीड पर बहुत ज़्यादा काम आती हैं, यानी कि ये दरिया से पकड़ी जाती हैं, वो फार्मी होती हैं, यानी कि समझे खुद तैयार की जाती हैं, जैसे कि अंग्रेज़ यानी कि किस्में वगैरह तैयार करते हैं। और ये जो होती है ना ये सिर्फ दरिया की मछलियाँ जो कि हमारे दरिया से पकड़ी जाती हैं। तो फाइनली अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने मछलियाँ लेनी हैं, तो अब हम ये भाई से पानी डलवा रहे हैं। इनके पास ना पानी नीचे पड़ा होता है, क्योंकि अगर मछली का पानी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है वो मर जाती है। तो ये अब अपना ही पानी, यानी कि उसी टेम्परेचर पर, इन्होंने जस्ट टेम्परेचर पर और मछलियाँ पड़ी हुई है, इसी टेम्परेचर पर ये भी इनका पानी पड़ा हुआ है। इन्होंने अब उसमें से एक छापर भर लिया पानी का, और अब ये वहाँ से इधर यानी कि जो इनका यानी कि अपना एक होता है डिज़ाइन, इन्होंने वहीं कील में इसको लटका दिया है। अब हम जो इन्हें कहते जाएंगे ना कि यार ये हमें मछली चाहिए, ये वही वही उसमें से निकालते जाएंगे बड़े शापर में से, ये देखिए इन्होंने उतार लिया शापर। अब हम जो इन्हें कहते हैं यार ये वाले पकड़ दो, ये वाला पकड़ दो, ये मेल ये फीमेल, जो यानी कि जो भी हम कहेंगे ना ये वो पकड़ के उस शापर में डालते जाएंगे। इस तरीके से अगर हम कहें ना यार ये पकड़ दो, फिर वो मिक्स हो जाता है, फिर वो मिक्स हो जाता है। तो इनके पास ब्लैक मोले भी होते हैं, लेकिन आज इनके पास ब्लैक मोले नहीं है। तो यार हमने ये एक मेल पसंद कर लिया है, और इसका ऊपर मेल इस तरीके से पसंद किया हमने कि इसका जो फिन था ना ऊपर वाला बहुत यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा था, तो हमने एक मेल ये ले लिया। और अब देखते हैं कि और क्या क्या लेना है। एक अब देखते हैं यार एक पेयर लें या दो पेयर लें, फिर उस हिसाब से हम लेंगे जैसे कि लेते जाते हैं, जो जितने पसंद आएंगे उतने ले लेते हैं अभी फिलहाल। तो यार गाइस मोली फिश इस तरीके से भी बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनमें एक तो ये है कि जो मेल होता है ना यानी कि वो फीमेल के साथ 24 घंटे रह सकते हैं, बाकी जो मूली बाकी जो फिशेज होते हैं उनमें ये मसला होता है कि यार मेल को कुछ अर्सा यानी कि दूर करना पड़ता है सिर्फ रास के लिए, उनके साथ छोड़ना पड़ता है, बाकी फिर अलग करना पड़ता है, लेकिन ये 24 घंटे इकट्ठे रह जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात ये है, दूसरा बड़ा मसला ये है कि ये रेशो है ना वो ये है कि यानी कि दो फीमेल्स होंगी तो उसके साथ एक मेल रह जाएगा, कुछ की ज़्यादा होती है कुछ की कम होती है, लेकिन इसमें यानी कि अगर आपने एक दर्जन फीमेल्स रखी हुई हैं तो उसके साथ आप 6 मेल रख दें। तो हमने यार अब ये पसंद कर रहे हैं, इनमें से हमने एक वाइट वाली भी ले ली है और उसके साथ एक वाइट वाली ले, यानी कि कुछ जो जो हमें पसंद आ रहे हैं ना वो हम लेते रहते हैं, अभी हमें नहीं पता कि हम कितनी लेंगे और कैसे लेंगे। यार ये देखें ये वाइट वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, लेकिन इसका एक मसला होगा ये नजरे की बहुत कम। यार गाइस फाइनली अब हमने मछलियाँ पसंद कर लिया, सब मछलियाँ डलवा लिया, मैं आपको घर चल के इसका अच्छी तरह व्यू दिखाऊंगा कि कौन कौन सी लिया, कितनी लिया, किस कलर की लिया और कैसे लिया। तो अभी इनको पैक करवा रहे हैं हमें, लेकिन इसके अंदर ना ये यानी कि शापर के अंदर उन्होंने इस तरीके से पैक किया कि इसके अंदर हवा है यानी कि ऑक्सीजन है, मछलियाँ सांस लेती जाएंगी, अगर इन इस तरह पैक नहीं करते तो रास्ते में गिरने का खतरा होता। तो अब ये बेहतरीन पैक हो गए, अब हम घर जाकर इसको लेकिन खोलना भी लाजमी होता है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन यानी कि इस हिसाब से है। तो घर जाकर इसको खोलते हैं और इसको यानी कि फिर इसका करते हैं क्या करना है, अभी हम इसको शापर में डलवा रहे हैं ताकि बाहर की नज़र ना पड़े। जी मछलियाँ हमें मिल चुके हैं और अब हम चलते हैं। तो यार गाइस हम मछलियाँ तो ले आए हैं, अब मसला ये है कि ये मछलियाँ मेरे हाथ में हैं, लेकिन हम इसको ऐसे तो नहीं रख सकते ना, हमने इसके खोलना है। कोई जो हमारे एक्वेरियम में मैंने आपको बताया था कि यार वो हम बना रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं बना, वो वहीं पर पड़ा हुआ है, उसको भी निकालेंगे और उसको भी सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कोई छोटी सी चीज़ ढूंढना है जिसमें इसको खोलना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्टोर रूम में और देखते हैं क्या मिलता है। यार मैं वो स्टोर रूम में गया था बाउल ढूंढने, लेकिन बाउल नहीं मिला। तो अब मेरे पास दो आइडियाज़ हैं, एक ये कि मैं ये डब्बा ले आया हूँ, एक ये देखें ये है डब्बा और इसके अंदर भी हम अपनी मछलियाँ खोल सकते हैं। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये पानी है कम, तो इसके अंदर जो छोड़ेंगे ना ये पानी यानी कि पूरा नहीं आएगा और मछलियाँ तैर नहीं सकेंगी। तो अब उसके लिए मेरे पास एक और चीज़ भी है जिसमें हम अपने तोतों के बर्तन धोते हैं ना, और वो है ये वाली बाल्टी। हम इसको नीचे ले जाएंगे और इसको धो लेंगे और इसके अंदर फिर छोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास पानी भी कम है और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है समझे। अभी हम देखें कौवा भी आ गया खाने के लिए मेरी मछलियाँ,
तो खैर हमने क्या करना है, अब इन्हें खोलना है उस बाउल के अंदर। हम अगर इनको ऐसे यानी कि एक नया पानी भर के उसके अंदर खोल देंगे ना तो ये मर जाएंगे वो, इसलिए क्योंकि जब भी पानी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना उस वक्त मर जाती है। तो हमने अब क्या करना है, इसको इसके अंदर रख देना है, ठीक है। अब जो इस पानी का टेम्परेचर है ना, हम क्या करते हैं इसको यहीं पर रखा रहने देते हैं, और मछली अभी इसके अंदर बिल्कुल ठीक फिर है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है पानी के अंदर और ये बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मुझे नहीं पता कि इस पानी का टेम्परेचर क्या है, लेकिन हमने क्या करना है इसको इसके अंदर डाल देते हैं। पता क्यों, अब इसका टेम्परेचर और समझे जो अंदर वाला पानी है मछलियों के अंदर वाला पानी, उसका टेम्परेचर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो फिर जब हम कुछ देर के बाद यानी कि आधा घंटा और घंटा खान इसको यहीं पर ठहरने देते हैं और उसके बाद इनको खोलेंगे, फिर ये पानी, अब मैंने ये देखें, अब मुझे लेवल का भी पता चल गया कि इतना होगा क्योंकि ये पानी इसके अंदर समझे पड़ा हुआ है, लेकिन है तो छापा के अंदर लेकिन समझे इसके अंदर है। इसको यहाँ पर भी नहीं रखना, इसको अंदर अपनी एवरी में रखना है क्योंकि बिल्ली किसी भी टाइम आ सकती है और इसको हमला कर सकती है और मछलियाँ लेके जाएगी। यार ये सारा का सारा ना मेरा इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है इस जगह का, यहाँ पर आ गए, अब इनको वापस भगाना है। जाओ 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 जाओ, भाग भागो भागो, बहुत सर्दी हो गई है। ओ यार इतनी सर्दियाँ आ गई हैं, बस अभी तक तुम यहीं पर बैठे हुए हो। जाओ जाओ जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस 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 वापस। क्या बात, सारे गए ना, सारे गए। ये जी इनका रास्ता बंद हो गया, ये अब अपने हिस्से में आ गए। तो यार गाइस मैंने मछलियों के लिए ये सोचा है कि और तो मुझे कोई भी जगह समझ नहीं आ रही, हम मछलियों को रखेंगे इस जगह पर, यानी कि ये जगह हम मछलियों के लिए सेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, गंदवा पड़े, हम मछलियां अपनी यहीं पर फिक्स करेंगे। तो अभी मछलियों का टेम्परेचर बराबर हो जाए और इतनी देर में हम ये जगह सेट कर लेते हैं। यार गाइस 10 से 15 मिनट मुझे लग गए हैं ये सब सफाई करते हुए, और अब देखो यार ये लेवल हो गई है ना, ये जगह देखें कैसे चमक गई है। अब हमारी मछलियां आके इसमें बोर नहीं होंगी, और ये अभी थोड़ा सा अंदर वगैरह गंद पड़ा है, लेकिन ये खरगोशों का सामान पड़ा है, जैसे ये इनको डल जाएगा ये जगह भी साफ हो जाएगी। तो अभी देखें यार ये लेवल हो गया, अब हम जाते हैं, मेरे ख्याल में अभी कितनी देर हो गई है, शायद 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अभी इनका टेम्परेचर बराबर नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद उम्मीद है इनका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा और फिर हम इन्हें अपनी जगह पर शिफ्ट कर देंगे। तो यार इस टाइम में यही वाला पानी तो बहुत ठंडा है, और मेरे ख्याल में अंदर वाला भी ठंडा होगा, क्योंकि यार जहाँ से हम लेके आए ना वो रोड पर ठहरी हुई थी, तो वहाँ पर भी तो ठंडक होगी ना। तो यार अब इसको थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं और हम चलते हैं अपनी मुर्गियों में। और यार मैं देख रहा हूँ सुबह से जो हमारा मुर्गा है ना, ये अंदर घुसा ही बैठा है, और घुसा ही बैठा है, हिल ही नहीं रहा यार अपनी जगह से। कबूतर भी माशाल्लाह हमारा नीचे आया बैठा यार, माशाल्लाह यार अंडा भी आया पड़ा है, और ये क्या चीज़ है भाई, वाइट वाइट, अच्छा यार ये तो मेल है ना, वरना ये भी अंडा दे देता। तो यार ये आया पड़ा है अंडा, सुबह भी मैं इनका एक अंडा उठा के गया हूँ, लेकिन अब ये दूसरा अंडा है, तो अभी एक मुर्गी रह गई है, उम्मीद है वो भी जल्दी जल्दी अंडा दे देगी। तो मुर्गे को यार निकालते हैं, देखते हैं ये क्यों फंसा बैठा है अंदर, या फंसा बैठा है या पता नहीं खुद ही निकल पा रहा। तो यार अभी फिलहाल इसको हम यहाँ पर रख देते हैं अंडे को, तो इस पिंजरे को थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं, ये असल में हम कल परसों रख के गए ना, अब पता नहीं ये फंसा बैठा है, ये जान के नहीं निकल पा रहा। हट भाई भागो यहाँ से, तुम तो भागो, वो देखो यहाँ पर घुस गई मुर्गे को, यार बाहर आना एक मिनट, यार ये डर रहा है इसको, लेकिन नहीं यार बिल्कुल ठीक है, देखें 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 कैसे नाच रहा है कूद रहा है। फिर मसला कहता है यार बैठा क्यों सुबह से, हैं मुर्गा तो खैर अंडे दे रही है, इसका मतलब मुर्गा बिल्कुल ठीक है। तो यार अभी टाइम तो बहुत सारा रह गया, लेकिन ऐसा करते हैं हमने इसको वहीं पर रख देते हैं अंदर, और फिर बाद में हम आके इसको खोलेंगे मछलियों को अपनी। तो यार अभी इसको हम ले जाते हैं इसके अपने असल जगह पर रख देते हैं, पहले मैंने जगह साफ किया, फिर ये मछलियों में मुबारक हो मेरी कॉलोनी में आने के लिए तुम्हें। तो यार अभी हमने ये देखें, ये जी हमने ये यहाँ पर रख दिया, ये हमारी मछलियों की जगह होगी जहाँ पर हम इन्हें रखेंगे। बिल्कुल देखें यार कैसे पूरा पूरा आ गया, जैसे बनाई इसके लिए। तो यार अभी इसको यहीं पर रखने देना, अभी काफ़ी सारी देर है, तो 15 मिनट 20 मिनट अभी इसको यहीं पर रहने देते ताकि टेम्परेचर इसका नॉर्मल हो जाए, फिर हम आके इसको खोलते हैं। तो यार वैसे ये जो बर्तन है ना, ये इनके लिए काफ़ी छोटा रह जाएगा, यानी कि इतना सा ये इसमें से हो सकता है कि जंप लगा के भी बाहर आ जाए, तो ये इसके लिए हम नहीं रखेंगे। तो हमने ढूंढना है इनके लिए बाल्टी ढूंढनी है, और वो बाल्टी पड़ी हुई है हमारी बाहर जो मैंने आपको बताई है, उसको हम धो लेंगे अच्छी तरीके से, फिर वो इसके लिए रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे या फिर नीचे रखेंगे, उसके अंदर हम अपने मछलियाँ छोड़ेंगे। तो यार गाइस ये बाल्टी ये देख रहे हैं आप, पानी ये सारी मैंने अभी अभी वॉश किया, बाल्टी मैंने अब अच्छी तरीके से वॉश कर ली और इसको साफ भी कर लिया है। और अब हमने क्या करना है, इसको मैंने सोचा था पहले इसके अंदर खोल देंगे, लेकिन ना फिर मैंने ये सोचा इसका मैं छापर खोल गया था, और फिर मैंने ये देखा कि यार हम इसके अंदर नहीं खोलना चाहिए क्योंकि ये बहुत छोटा है और इसके अंदर से बाहर निकल सकती हैं। तो अब इन दोनों का तो खैर टेम्परेचर बराबर हुआ पड़ा है ना, हम इनको दोनों को ही बाल्टी में खोल देते हैं, यानी कि मिक्स करके, यानी कि कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन दोनों का टेम्परेचर बराबर है, पिछले 2 घंटों से इकट्ठे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इनको करते हैं इस बाल्टी के अंदर आज़ाद दोनों को ही इकट्ठा करके। तो ये जी मैंने असल में मेरा एक हाथ है, तो ये मैंने खोल दिया है दोनों को इकट्ठा, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसको, ओ देखो देखो मछली, तो यार अब हमने इन दोनों को बराबर करके ये जी खोल दिया मैंने अपनी मछलियों को। यार ये देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है मेल,
और इसके साथ ये व्हाइट वाली बिल्कुल ये है फीमेल, और ये जो है ना ये दोनों मेल है समझे, जो आगे वाले दोनों है ना ये दोनों मेल है, बाकी जो इसका मुंह इधर है और बाकी ये जो चार हैं ये बाकी फीमेल्स हैं ठीक है। इनमें से एक का ना पेट भी बहुत मोटा था, ये जो ये वाली पड़ी हुई है, ये जो फीमेल है ना ये बच्चे देने वाली है और इसका पेट भी बहुत ज्यादा मोटा था, तो उम्मीद है ये बहुत जल्द बच्चे दे देगी। तो बाकी पहले मैं ना यार एक पेयर ले रहा था, यानी कि एक मेल ले रहा था और बाकी इसके साथ दो फीमेल्स ले रहा था, फिर मैंने देखा यार अगर एक मेल को कुछ हो जाता खुदा ना खास्ता तो बाकी फीमेल्स फिर क्या करेंगी, तो फिर मैंने दो मेल करवा लिया, फिर मैंने कहा यार दो मेल अब तीन फीमेल, फिर एक और फीमेल भी करवा लिया, अब छह पीस हैं ये टोटली, इनके लिए मेरे ख्याल में अभी इतना पानी काफ़ी है, लेकिन इस पानी में ये है कि हम थोड़ा सा और पानी भर के ना इसके अंदर इस छापा के अंदर पानी भर के इसके अंदर रख देते हैं ऐसे, ताकि उसका टेम्परेचर इसके इक्वल हो जाए, फिर हम उसको भी इसके अंदर, क्योंकि यार ये पानी काफ़ी कम है और इसके अंदर पानी गंदा हो जाएगा, लेकिन अभी इनके लिए ठीक है। और दूसरी बात जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है ना वो ये, इसको हम रखेंगे इधर यार इस बाल्टी में, मैंने इसको इसलिए शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी भी एक रीज़न है सर, उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो ना अफोर्ड नहीं कर सकते एक्वेरियम, क्योंकि एक्वेरियम काफ़ी ज़्यादा महंगे देते हैं, इतने महंगे बनते नहीं है क्योंकि ये एक अमीरों वाला शौक है, तो ये बहुत ज़्यादा महंगे देते हैं। तो अब मेरे पास एक्वेरियम पड़ा हुआ था नीचे और मैं उसको चाहे तो ग्लू गन लगा के हल्के सीजन बताया था, एक्वेरियम मैंने दिखाया भी था आपको, उसको जोड़ के रख सकता था, लेकिन मैंने इसमें इसलिए रखे हैं क्योंकि जो एक्वेरियम होता है ना छोरा उसके अंदर मछली ब्रीड पर काम आती है, वो इसलिए क्योंकि मछली जो ब्रीड करते हैं ना वो करते हैं क्योंकि वो आगे यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर पिंजरे है ना, तो अगर इसको एक साइड पर जाकर टकराएगी वो कहेगी ये क्या, ये तो इतना सा है, यानी कि टोटली उसका छोटा सा घर होता है, ये गोल होता है एक्वेरियम, तो गोल में ये होता है इसका फायदा क्योंकि वो मछली ऐसे घूमती रहती है, उसे ये नहीं पता चलता कि इसकी कोई दीवार भी है क्योंकि वो घूमती रहती है बस, वो समझते हैं तो हद है बहुत बड़ा यानी कि मेरे लिए घर बनाया होगा, तो होता सिर्फ इतना सा है सही है। तो अब वो इसके अंदर घूमती रहती है और उसके लगता है इसको कभी खत्म होने वाला है, यानी कि उसके हिसाब से कभी ये खत्म नहीं होता और इसके अंदर ये रोटेट करती रहती है, तो इसके अंदर हम सिंपली मछली को ब्रीड करवा सकते हैं। और दूसरी रीज़न ये बाल्टी रखने की ये है क्योंकि मैंने जब पहले मछलियाँ रखी थी ना काफ़ी पहले, मछली में एक दो साल हो गए हैं, तब भी मैंने यही मूली फिशेज रखी थी और उसको यही की यही बाल्टी में रखा था, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी ब्रीड की थी, यानी कि काफ़ी सारे बच्चे दिए थे 35-40 बच्चे दिए थे उन मेरी मूली फिशेज ने, तो उसमें इसमें ब्रीड की थी, यानी कि एक बार जहाँ पर ब्रीड आ जाए आपको फिर यानी तसल्ली हो जाती है यार इसमें ब्रीड कर सकते हैं, तो फिर भी आप उसमें ही रखते हैं। तो अब ये देखें अब ये मैंने इनमें छोड़ दिया और इनमें यानी कि जो पेयर वगैरह हैं अब ये जब बच्चे जाएंगे ना तो हम ऐसा करेंगे इनके जो बच्चे होंगे ना वो निकाल के इनको अलग कर लेंगे, यानी कि फिर बड़े पेयर इसमें रहने जाएंगे। और अब मुझे ये नहीं पता कि इनमें से कितने मेल ब्रीड पर आएँ कितनी फीमेल्स ब्रीड पर आएँ, तो जैसे ही यानी कि जितने भी आएंगे ना ब्रीड पर तो बाद में हम उनको अलग कर लेंगे, अभी ये फिलहाल इनको यहीं पर ही रहने देते हैं। और अलबत्त थोड़ा सा इसके अंदर पानी हम ऐड कर देते हैं वो अभी या इसके अंदर पानी भर के ना इसके अंदर रख देते हैं फिर हम इसके अंदर छोड़ देंगे क्योंकि पानी काफ़ी कम है। तो यार गाइस बहुत प्यारा सिस्टम हो गया, इसको रख देते हैं हम बस आज से बाद में इसको नीचे रखेंगे और इसको भी अंदर रखेंगे, अब ये हमारी सिर्फ और सिर्फ ये जी बन जाएगी हमारी शेल्फ अपनी मछलियाँ रखने की। गाइस कैसे लगी मेरी मछलियाँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे एक न्यू एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।